गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ के बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है सेल। तो सेल चैप्टर में एक सेल ऑर्गेनेल है वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स के बारे में सब कुछ हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। सब कुछ मतलब आप इसको पढ़कर जाइए, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा। तो चलिए देखते हैं वैक्यूल्स को। सबसे पहले वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल। तो उसमें से एक सेल ऑर्गेनेल है ये वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का जो मेन काम है ना, वो मेन काम है स्टोरेज। वैक्यूल्स का जो मेन काम है वो है स्टोरेज। वैक्यूल्स कुछ कुछ स्टोर करता है, और भी कुछ काम है लेकिन जो मेन फंक्शन है उसका वो है स्टोरेज। तो देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। वैक्यूल्स सेल ऑर्गेनेल है जिसके अराउंड क्या है? मेम्ब्रेन। वैक्यूल्स एक सेल ऑर्गेनेल है और वैक्यूल्स के अराउंड मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है एंड फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग वेरियस सब्सटेंस। वैक्यूल्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और वैक्यूल्स में क्या होता है? एक वाटर के जैसा सब्सटेंस होता है, फिल्ड विद वाटरी सब्सटेंस, ठीक है। उस वाटरी सब्सटेंस के अंदर क्या होता है? ढेर सारा चीज, ठीक है। अच्छा, द टर्म वैक्यूल्स मींस एम्प्टी स्पेस। हमने आपको बताया ना वैक्यूल्स क्या करता है? स्टोरेज। स्टोरेज कौन करेगा? जिसमें खाली जगह होगा भाई, पहले से भरा होगा वो क्या स्टोर करेगा, है ना। जो चीज पहले से भरा होगा स्टोर नहीं करेगा। वैक्यूल्स का जो मीनिंग है, इस वर्ड का जो मीनिंग है वो मतलब ये है खाली जगह। खाली जगह तो ना स्टोर कुछ कीजिएगा। अच्छा, द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल आर लार्जर देन दोज इन द एनिमल सेल। प्लांट का वैक्यूल्स का जो साइज है वो क्या होता है? एनिमल से बड़ा होता है। आप खुद सोचिए, स्टोरेज का ज्यादा जरूरत किसको है? एनिमल को या प्लांट को? किसको? हम लोग को कुछ स्टोर करना हुआ तो हम लोग तो किचन में कर लेंगे, है ना। प्लांट का इतना सिंपल नहीं है। प्लांट को बहुत कुछ स्टोर करके रखना पड़ता है। या फिर जंगल में जो एनिमल है वो क्या करेगा? वो अपना शिकार करेगा, ठीक है। वो स्टोर नहीं करता अपने बॉडी के अंदर कुछ स्टोर नहीं करता उतना, ठीक है, डेली बेसिस पे। पर प्लांट को स्टोर करना पड़ता है। प्लांट को कभी कुछ चीज मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो प्लांट का डेथ हो जाएगा, है ना। तो प्लांट को जिंदा रहने के लिए क्या स्टोर करके रखना पड़ता है। तो प्लांट में वैक्यूल्स का साइज बड़ा होना ही चाहिए, होता भी है। तो द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स आर लार्जर देन दोज इन द एनिमल सेल्स। द प्लांट वैक्यूल्स ऑक्युपाइंग मोर देन 50-90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट का सेल का जो वॉल्यूम है ना, उसमें से 50-90% हिस्सा वैक्यूल्स ऑक्युपाई करता है। इतना बड़ा होता है, सोचिए। सेल का 50-90% जो पोर्शन है वो वैक्यूल का साइज है। अच्छा, वैक्यूल क्या क्या स्टोर करता है? याद करिए, सॉल्ट, मिनरल्स, पिगमेंट, प्रोटीन, ये सब कुछ क्या करता है? स्टोर करता है। प्लांट सेल है लार्जर वैक्यूल्स। अभी क्वेश्चन बनता है कि प्लांट का वैक्यूल का साइज बड़ा क्यों होता है, आता है क्वेश्चन। तो प्लांट सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल्स बिकॉज दे रिक्वायर मोर वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये लाइन याद कर लीजिएगा कि प्लांट का वैक्यूल का साइज क्यों बड़ा होता है। प्लांट सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल्स बिकॉज दे रिक्वायर मोर वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। प्लांट अच्छे से फंक्शनिंग करे, आ रहा है समझ में? इसके लिए क्या करना होता है? प्लांट को स्टोर करके रखना होता है चीजों को। अच्छा, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल्स एंड प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। देखिए, जो प्लांट सेल है उसका जो कंटेंट है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स है, तो वैक्यूल्स में जो कुछ भी है तो उसका एक काम और है, वो प्लांट को क्या करता है? रिजिड बनाता है। प्लांट को क्या करता है? रिजिड। एक तो आप फंक्शन आप देख लीजिए वैक्यूल्स का क्या, स्टोरेज। दूसरा ये भी आप याद रखिएगा, प्लांट को क्या करता है? वैक्यूल्स रिजिड बनाएगा। रिजिड किसको बोलते हो? जैसे कि ये जो मार्कर है ये रिजिड है, क्यों? इसका आप शेप नहीं चेंज कर सकते उतना आसानी से, तो ये रिजिड है। तो प्लांट को वैक्यूल्स रिजिड भी बनाता है। अच्छा, इन प्लांट से वैक्यूल्स स्टोर एमिनो एसिड्स, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड
ये सब क्या करता है, स्टोर करता है प्लांट सेल, ये सब पॉइंट है। तो मतलब आप समझ रहे ना, बायो में तो जो पॉइंट होगा वो याद करना होता है। अच्छा, अमीबा, इन अमीबा फूड वेक्टर्स कंटेन द फूड आइटम दैट अमीबा हैज कंज्यूम्ड, ये भी आ जाता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, अमीबा में वेक्टर्स का क्या काम है। तो अमीबा जो फूड को पकड़ा है ना, अमीबा जो फूड को इनगल्फ किया है, इंडोसाइटोसिस वो जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो फूड को इनगल्फ किया है, तो वो स्टोर करता है फूड वैक्यूल्स में। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वैक्यूल्स है, ये जो वीडियो वैक्यूल्स के ऊपर आपको हेल्प करेगा, आप एग्जामिनेशन में इसको पढ़ के चलिएगा, जो क्वेश्चन है इसी में से आएगा। तो ठीक है, फिर आप चाहें तो जो सेल चैप्टर का प्ले लिस्ट है उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में क्या है कि जो पूरा चैप्टर है, सेल चैप्टर है, उसका कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे वीडियो में बनाकर अपलोड किया हुआ है, और प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको वीडियो में यहाँ कहीं पे दिख रहा होगा, तो इस लिंक पे क्लिक करके आप जरूर से प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए।